लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले जो है लेक्चर 8 में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले एक चीज़ इन्फॉर्म करना था कि अगर आपने वीडियो लेक्चर 8 का नहीं देखे हैं तो कृपया करके अवश्य एक बार देख लीजिए ताकि लेक्चर 9 को समझने में आपको इजी पड़ेगा, इजी या सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के सी से ना से। देखिए ध्यान से समझना कि a बराबर दिया है 2, 3, 5 और b इक्वल टू है 1, 2, 3। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ए और क्या निकालना है बी, तो इम्प्लाइज ए मेरे पास कितना दिया है तो 2, 3, 5 और b का वैल्यू कितना है तो 1, 2 और 3 दिया है। तो हम बताए थे कि इधर से चलता है रो और इधर क्या चलता है कॉलम। तो हम लोग के पास कितना रो है, 1 रो 3 कॉलम और इधर है 3 रो 1 कॉलम। हम बताए थे कि इसको रो कहते हैं इसको कॉलम कहते हैं, 1 रो 3 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखिए यहाँ पर इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो रेस्ट क्या बचा, 1 रो और 1 कॉलम। ध्यान से देखिएगा, 1 रो बचा R1 और 1 कॉलम बचा C1। और हर हमेशा जो कट होता है दोनों पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री। तो चलिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो पेयर बनाना है जैसे कि 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2:1 प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3:2 प्लस 5 किससे मल्टीपल होगा तो 3 से, तो 5:3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे और प्लस 15 लिखेंगे, 15, 6, 21, 2 कितना हो गया 23। क्योंकि मेरे पास जब आउटपुट मिलना चाहिए तो वो कितना रो कितना कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, तो 23 जो मिल गया वो 1 रो 1 कॉलम का। तो चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर देखिए 2 में क्या बोलता है, इवेलुएट करने के लिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्या चीज़ की, इवेलुएट कीजिए। ध्यान से देखिएगा इसका भी क्या निकालना है हमको, मान बोल रहा है निकालने के लिए। और पिछले क्लास में हम evaluate होता है evaluate करना, तो इसमें हम क्या बताएं कि जैसे देखिए a दिया है मान, a भी नहीं है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 0, 2 और 0, 3। तो 2 रो 2 कॉलम है इनटू इसमें दिया है 4, 6 और 0, 0, इसमें क्या है 2 रो 2 कॉलम है। याद रखिएगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर हमेशा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसमें मेरे पास कितना रो कितना कॉलम है तो 2 रो 2 कॉलम है, इधर भी 2 रो 2 कॉलम है, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से रो चलता है ये रो ये कॉलम, तो 0 देखिए 2 रो 2 कॉलम बचा ना, तो 1 रो पहले इससे गुना करेंगे, आर वन जो है मल्टीप्लाई किससे होगा सी वन से, और फिर वही आर वन जो है वो मल्टीप्लाई होगा सी टू से, फिर गुना करेंगे R2 मल्टीप्लाई होगा C1 से और R2 पुनः मल्टीप्लाई होगा C2 से। तो देखिए इधर से रो इधर से कॉलम पेयर बनाइए, 0 गुना 4 प्लस 2 गुना 0। पहला पार्ट के लिए R1 को किससे गुना किया C1 से, फिर R1 को उठाइए C2 से, तो 0 गुना 6 और प्लस 2 गुना 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 गुना 4 प्लस 3:0, फिर करेंगे कितना तो 0 गुना 6 और प्लस 3 गुना 0। तो जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 गुना 4 0 प्लस 0 दैट इज कॉल्ड 0, 0 गुना 6 ये भी मेरे 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0 प्लस 3 इंटू 0 0 और ये भी 0। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया तो 0 0 0 0 ये कंडीशन। अब आते हैं हम लोग चलते हैं, देखिए एक नंबर ये फर्स्ट नंबर सवाल था, दो नंबर एक समझा देते हैं, जो एक जैसा है उसको हम छोड़ देंगे। दो नंबर सवाल क्या बोलता है, लिखा हुआ है 2, 4, 6 और मल्टीपल किससे करना है तो 1, 2, 3 से। ध्यान से देखना है तो इसमें देखिए हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3 3 रो 1 कॉलम, इधर से मेरा क्या चलेगा 1 रो 3 कॉलम, तो ये दोनों क्लियर हो गया। बचा क्या मेरे पास तो 3 रो 3 कॉलम, इसका हम थ्योरी दिए भी थे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 रो 3 कॉलम है, पहले 2 को उठाइए, देखिए 1, 2, 3 रो 1 कॉलम हुआ ना 1 रो 3 कॉलम, तो ये दोनों सेम है 3 रो 3 कॉलम, इधर से रो चलेगा इधर से कॉलम, तो 2 गुना 1, फिर लिखेंगे 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 2 गुना 3, फिर 4 को उठाइए 4:1 4:2 4:3
फिर मल्टीपल करेंगे 6:1, 6:2 और 6:3। तो जब इसके रिजल्ट पे आते हैं तो ये लिखेंगे 2, 4, 6, 4, 8, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर 6:1 क्या होगा, 6, 12 और 18। ये रिजल्ट मेरे पास जो आउटकम मिला, ये कितना रो कितना कॉलम हुआ, तो 3 रो 3 कॉलम का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सब तो एक ही जैसा है, एक थोड़ा सा बता देते हैं, 3, 4 जैसा है, 4 नंबर बता दें। 4 बता देंगे तो आपका 5 और 6 दोनों हो जाएगा। 4 में देखिए क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी सवाल है। लिख रहा है क्या, 1, 2, -3, -2, 1 और कितना है 7, और मल्टीप्लाई करना है कितना, तो 2, 3, 1, 4, 5, 4 फिर है 2, 1, 6, 3। इसको समझिएगा ध्यान से, ये अगर क्लियर हो गया तो मल्टीप्लिकेशन का लगभग हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर से जब चलते हैं ये चलता है रो और ये चलता है कॉलम। ये तो सिंपल हम बता दिए जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है। इसमें देखिए 1 और 1 2 रो और क्या कॉलम है, 3 कॉलम। तो इसमें लिखेंगे 2 रो 3 कॉलम और इसमें लिखेंगे 3 रो और कितना कॉलम है, 1, 2, 3 रो 3 कॉलम। ये दोनों बराबर है तो रेस्ट क्या बचा, 2 रो 2 कॉलम। आउटकम हमको जो मिलेगा वो आउटकम कितना मिला, 2 रो और 3 कॉलम का। ऐसे ये रफ कर रहे हैं, ये लिखना नहीं आपको। अब देखिए स्टार्ट जैसे हम करते हैं तो फर्स्ट उठेगा ये चीज़ रो में, इससे गुना होगा, पहला रो पहले कॉलम से पेयर बनाइए, 1 गुना 2 फर्स्ट हुआ क्लियर, बीच में प्लस 2 गुना 5। फिर अगला क्या चलेगा, -3 गुना 1 पहला क्लियर। फिर देखिए 2 रो 3 कॉलम, फिर इसको उठाइए इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4 प्लस -3 गुना 6। अब फिर अगला उठाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस -3 और इंटू कितना होगा 3। ये खत्म। अब फिर से ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से -2 गुना 2 -2 गुना 2 प्लस 1 गुना 5 और प्लस 7 गुना 1। फिर इसको गुना कीजिए तो -2 गुना 3 प्लस 1 गुना 4 प्लस 7 गुना 6। फिर इससे गुना करेंगे तो -2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 और प्लस 7 गुना 3। तो जब रिजल्ट हम देखते हैं, आउटकम प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2, 5, 2, 9, 10, 10, 2, 12, 12 में से 3 गया तो ये बचेगा कितना, 9। फिर 3 प्लस 8, 8, 3, 11, 11 में से 18 गया तो कितना बचेगा, तो -7। फिर 1 प्लस 4, 4, 1, 5, 5 में से 9 गया तो 5 में से 9 गया कितना बचा, -4। फिर लिखेंगे 7 प्लस 5, 12, 12 में से 4 गया 8 और 7, 6, 42, 4, 46, 46 में से 6 गया तो ये बचेगा 40। और इसमें कितना, 7, 21, 21, 2, 23, 23 में से 2 गया कितना बचा, 21। देखिए आउटकम मेरा क्या मिला, 2 रो 3 कॉलम। तो कहीं थोड़ा सा देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ तो आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ए दिया है मेरे पास 2, 9, 4, 3 और बी है 1, 5, 7, 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और बी, सॉरी फाइंड करना है कि ए बी और बी ए, या सो दैट ए बी बराबर बी ए होता है कि नहीं। सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, तो ए बी निकालना है। और हम बोले थे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। पॉसिबल तभी है जब सभी एलिमेंट सेम हो। तो चलिए पहले गुना करते हैं, 2, 9, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, 7, 2। ये मेरा चलेगा रो और ये चलेगा कॉलम। तो अगर गुना करते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 9 गुना 7, फिर चलेगा ये रो इसे, फिर 2 गुना 5 प्लस 9 गुना। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर ये मल्टीपल होगा 4 गुना 1 प्लस 3 गुना 7, फिर लिखेंगे 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 2। तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया, 9, 7, 63 प्लस 2, 65, 9, 2, 18 और 10 कितना हो गया, तो 28, 7, 21 प्लस 4 होगा 25 और 5, 4, 20, 6 कितना हो गया,
तो 26। ये तो ए बी निकला। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि बी ए क्या संभव है। तो बी ए तो संभव तो पॉसिबल तो है, लेकिन रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। 1572 मल्टीप्लाई बाय 2943। तो ऑब्वियस है कि इधर से फिर रो, इधर से कॉलम चलेगा। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 प्लस 5 × 4, फिर लिखेंगे 1 × 9 5 × 3 7 × 2 2 × 4 और 7 × 9 2 × 3। तो क्या लिखेंगे, 5 × 4 = 20 प्लस 2 = 22, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 24, 7 × 9 = 14 और 8 × 14 = 20, 2 = 22 और 9 × 7 = 63 और 6 = 63 और प्लस 6 कितना हुआ 69, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 24। तो देखिए दोनों का जब डिजिट देखते हैं तो डिफरेंट है, तो ऑब्वियस हो गया कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो हम लोग 4 सवाल क्लियर किए, एक प्रॉब्लम और करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए इक्वल टू है कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब बी इक्वल टू है कॉस फाई साइन फाई और कॉस फाई। कहता है कि सो दैट ए बी बराबर बी ए। तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, ए बी। तो ए बी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, इस जगह लिखेंगे साइन थीटा और कितना है कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ये इस जगह क्या है कॉस फाई साइन फाई और कॉस फाई। तो चलिए फिर से, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ऑब्वियस है, दो रो दो कॉलम चलेगा। तो इधर से हम लोग रो चलते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, बीच में प्लस, फिर इससे गुना कीजिए तो साइन थीटा इंटू साइन फाई। चलिए फिर इसको गुना कीजिए, इधर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, एकदम से इजी वे में मल्टीपल कर रहे हैं। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू साइन बी या कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यहाँ होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस बी, और ये साइड में हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ये आया। अब देखिए जैसे हम लोग सिमिलरली बी ए अगर करते हैं तो बी में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस फाई लिखेंगे साइन फाई, इधर लिखेंगे साइन फाई और कॉस फाई, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, तो कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए सेम जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से रो कॉलम, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा, इधर हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा, इधर हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा और इधर हो जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा। सेम रिजल्ट होगा, पहले थीटा, अब दिमाग में चलता होगा यहाँ तो थीटा माइनस फाई है, यहाँ फाई माइनस थीटा, क्या दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा माइनस फाई लिखें या कॉस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो फाई माइनस थीटा लिखें तो रिजल्ट विल क्या हो जाएगा सेम फाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो हम लोग लगभग 5 सवाल तक किए और आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे विचार से आपका 5 नंबर अभी टोटल कंप्लीट बना लीजिएगा, 5 तक हम बताएं, सॉरी हाँ ये तो 4 था वो 3 था, ये एक्चुअल में ये 3 नंबर प्रॉब्लम था और ये आपका था 4। तो आप 5 तक बना लीजिएगा कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर से 10 वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।